सन 1895 में हिमाचल किन्नौर जिले के एक सुंदर से गांव सुन्नम गांव में एक महान लामा का जन्म हुआ था। जी हां, सुन्नम गांव में, और मैं बात कर रहा हूं खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी का। जी हां, तो कोई नेगी रिम्पोछे जी, कोई खुनू रिम्पोछे जी, तो कोई खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी के नाम से जाने जाते हैं। तो नमस्ते जुले टच दिले, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किन्नौर ट्यूब में। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी के बारे में। और खुनू मतलब तिब्बती में किन्नौर होता है, और जहाँ उनका जन्म हुआ सुन्नम गांव। सुन्नम गांव जो है वो रोपा घाटी का बहुत ही सुंदर गांव है, और उनके पिता का नाम कलनपुर, माता जो है नरकित बंटेन थी। और माता जी के जो भाई थे वो सुन्नम यानी पूरे रोपा घाटी के एक बहुत प्रसिद्ध अमची हुआ करते थे। अमची मतलब जो वैद्य होते हैं वो थे। 7 वर्ष की आयु में वो अपने मामा जी के पास जाकर भौटी का अध्ययन करने लगे, क्योंकि उनके मामा जो हैं वो अमची हुआ करते थे, तो उनके पास भौटी का ज्ञान हुआ करता था। उनके पास जाकर भौटी का अध्ययन किया। उसके बाद जो है लिप्पा गांव जाकर जो गुरु चांचुप ग्यालचन जी हैं उनके पास जाकर महामुद्रा साधना का उपदेश जो है वो प्राप्त किए। तो उसके बाद उन्हें जो भौटी और बौद्ध धर्म में रुचि आने लगे। तो जब 19 वर्ष के हुए तो वो स्पीति, लाहौल, कुल्लू होते हुए वो तिब्बत की ओर निकल पड़े। तो रास्ते में जो सिक्किम के रुमतेक नाम स्थान पर लामा उर्गेन तेनजिंग जी से उन्होंने भौटी, व्याकरण कोश और काव्य बगरे का अध्ययन किए, और वहाँ पर आचार्य जो शांति देव से उनसे भी काफ़ी बहुत कुछ सीखे। और लगभग 1916-17 के आसपास वो वहाँ से तिब्बत चले गए। फिर जो खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी हैं वो तिब्बत पहुँचे, तिब्बत के लासा पहुँचे, और लासा मध्य तिब्बत में लगभग 5 साल उन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किए। और उसके बाद खम क्षेत्र चले गए। खम क्षेत्र में उन्होंने 13 महाग्रंथ यानी तिब्बती में जो है शुंगचेन चुकसुम के आधार पर दर्शन का गहन अध्ययन किए। उसके बाद उन्होंने खम क्षेत्र के बाद फिर वापस मध्य तिब्बत लौटे, और वहाँ पर जो है मेन्सिकांग यानी जो ज्योतिष और चिकित्सा के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर उन्होंने लगभग 2-3 साल तक अध्यापन का कार्य किए। इस तरह से उन्होंने तिब्बत में अपने जीवन व्यतीत किए, और तिब्बत से बहुत कुछ सीखने के बाद 22 वर्ष बाद भारत लौटे और सीधा जो है वाराणसी पहुँचे, किन्नौर नहीं गए। तो वाराणसी में जो है पंडित देवनारायण से उन्होंने पंडिती व्याकरण सीखे, और 6 साल बाद किन्नौर लौटे यानी 28 वर्ष के बाद वो किन्नौर लौटे। तो लौटने के बाद वहाँ पर उनके माता पिता गुजर चुके थे। तो ग्याबोंग और सुन्नम के बीच उन्होंने एक लाबरंग नामक एक विहार का निर्माण किया था, जो आज नेगी लामा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और में रहकर उन्होंने किन्नौरी बोली में बौद्ध दर्शन का उपदेश दिए, और बौद्ध धर्म का जो किन्नौर में है काफ़ी प्रचार किए। तो काफ़ी दूर दूर से लोग भी उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। तो लगभग 7-8 साल तक वो किन्नौर में ही रहे। उसके बाद फिर से वापस वाराणसी लौटे और बौद्धगया, राजगीर, शरावस्ती, नालंदा जैसे जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों में कम से कम 15-16 वर्ष रहे। खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी वाराणसी में टेकरा मठ में हिंदू साधु संतों के बीच रहते थे। तो जो तिब्बती जो स्वतंत्र चिंतक गेंदुन छोपेल जी हैं वो भी यहाँ पर उनसे बैठ करके उनसे बहुत कुछ सीखे। इसके अलावा काफ़ी तिब्बती लोग उनके पास आए, उनसे भेंट किए, और भेंट करने के बाद जो तिब्बती व्याकरण, काव्य, कोश वगैरह उनसे अध्ययन किए। और परम पावन दलाई लामा जी भी स्वयं यहाँ पर जो टेकरा मठ है वहाँ पर खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी से भेंट करने के लिए पधारे, और पधारने के बाद जो बोधिसत्व चार्यवतार हैं वो ग्रंथ और इसके अलावा और कुछ ग्रंथ का अध्ययन किए। जब भी हम परम पावन दलाई लामा जी के कुछ उपदेश सुनेंगे तो उसमें जो कई उपदेशों में हमें खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी के जो चर्चा होते हैं, तो आपने भी काफ़ी बार खुनू लामा तेनजिंग ग्यालसन जी ने अपने जीवन को बोधिसत्व चार्य के सांचे में डाल दिया था, और उनके शरीर, वाणी, चित्त से बोधिसत्व चार्य ही झलकता था। या बोधिसत्व चार्य मतलब चांचू सेम्बा।
वाराणसी के बाद उन्होंने रिवालसर में काफ़ी समय बिताए और उसके बाद तो कुल्लू, मणिकरण, रायसेन में जितने किन्नौरी लोग बसे हुए थे उनको बौद्ध दर्शन का उपदेश दिए और लगभग 1976 में लाहौल के केलांग पहुँचे और 20 फरवरी 1977 में चुरगोम्पा में थर्ग्यन नामक ग्रंथ का उपदेश देते हुए शाम के समय निर्वाणा को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।